बोलेगा मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 10 मार्च को जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना हो चुकी है और देर रात तक जिला निर्वाचन पूरी तरीके से परिणाम नहीं स्पष्ट कर सका। आज जैसा कि परिणाम जारी हुआ है तो हम आप तक सभी प्रत्याशियों का परिणाम जारी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जौनपुर की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली मलनी की। मलनी की बात इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पे सपा के लकी यादव हैं, तो हमेशा मीडिया में सुर्खियों में छाए रहने वाले धनंजय सिंह हैं जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, जेडीयू से इस बार मैदान में हैं। तो बताते चलें कि सपा के प्रत्याशी लकी यादव ने धनंजय सिंह को 17,527 वोट के बड़े वोटों से हराया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके या अपने बयानों में हमेशा मलनी की चर्चा की, जिससे धनंजय सिंह की तरफ से पलटवार किया जाता रहा और यह पूरी तरीके से मीडिया के सुर्खियों में छाया रहा। ऐसे में यह सपा के लिए प्रतिष्ठा परक सीट बन चुकी थी, जिस कारण यहां पर मुलायम सिंह यादव तक को आना पड़ा, अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को आना पड़ा। हां, लेकिन उसका परिणाम निश्चित तौर पर सकारात्मक दिखा और लकी यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह लकी यादव वही हैं, दिग्गज पारसनाथ यादव के पुत्र हैं, दिग्गज नेता पारसनाथ यादव के पुत्र हैं, सपा सरकार में हमेशा कैबिनेट मंत्री रहे, 6 बार के विधायक रहे और 2 बार पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उपचुनाव में लकी यादव ने जीत दर्ज की, 2022 में भी इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में लकी यादव के लिए शुभ संकेत है कि वह निश्चित तौर पर अपना भविष्य किस तरीके से सपा में बरकरार रखेंगे और राजनीतिक कद का अंदाज़ा भी इसी से लगाया जा सकता है। कि लोग कह रहे थे कि लकी यादव तो बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे भगवा लहर, योगी लहर, मोदी लहर के बावजूद। तो अब हम बात करते हैं साहब, सभी प्रत्याशियों को कुल कितने वोट मिले। तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या 379,389 थी, डाले गए मतों की संख्या 227,362 और नोटा की संख्या यहाँ 1,333 रही और यहाँ पर प्रतिक्षेपित मतों की संख्या, मतलब वो अगर जो ख़राब हो गए हों, निरस्त जिसे बोला जा सकता, वो 121 रही। अब बात करते हैं कि किन प्रत्याशियों ने कितना वोट पाया। लकी यादव ने यहाँ से 97,357 वोट पाया, तो धनंजय सिंह को यहाँ 79,830 वोट मिले, मतलब 79,830। वहीं यहाँ पूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह को 18,319 मतों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा की यह बुरी हार है, इसके पहले भी जितने प्रत्याशी यहां लड़ते रहे कोई 30-40 हज़ार का आंकड़ा पार कर जाते रहे। यहां पे हमेशा लड़ाई धनंजय सिंह और प्रत्याशी के बीच होती रही है। मलनी जब से बनी है, सपा और धनंजय के बीच ही ये लड़ाई होती रही है। मलनी का लगभग हर चुनाव धनंजय सिंह लड़े हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे मलनी रही हो, चाहे रारी विधानसभा रहा हो, धनंजय सिंह हमेशा यहाँ से चुनाव मैदान में लड़ते रहे हैं और वहाँ इस क्षेत्र में उनका दबदबा हमेशा से बरकरार है। इस बार भी वह दूसरे नंबर पे ही रहे। और बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा शुक्ला की। यह पूर्व शहर अध्यक्ष सौरभ शुक्ला की माता जी हैं और इन्हें 1444 मतों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की बुरी हार है, कांग्रेस की हर 9 विधानसभा में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई है, सभी विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में वह अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं बसपा के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र यादव की। इन्हें कुल 24,007 मत मिले। वहीं अवनीश तिवारी उस प्रिंस को लोग पार्टी से हैं, उन्हें 756। आम आदमी पार्टी के जयप्रकाश को कुल 2,697 और जनता दल यूनाइटेड के धनंजय सिंह को, जैसा बताया कि मैंने आपको, 79,830 वोट मिले। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नवीन कुमार को कुल 653। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के मनोज यादव को 366, भारत स्वाभिमान पार्टी के राहुल सिंह को 657, धर्मनिरपेक्ष पार्टी के, भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी के विशाल पांडे को 640 मतों से संतोष करना पड़ा।
तो निर्दलीय मुस्तकीम को 636 वोट मिले। तो यह रहा मलिनीकरण, आखिर मलिनीकरण सपा ने जीत लिया और निश्चित तौर पर यह लकी के लिए शुभ संकेत है और सपा के लिए भी शुभ संकेत है कि वह अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। धन्यवाद।